हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं आपको बताऊंगा रेड चिली जो है वो आप मेडागास्कर में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अफ्रीका का कंट्री है दोस्तों, मॉरिशस के और साउथ अफ्रीका के बीच में है मेडागास्कर। तो आप कैसे वहां रेड चिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको मेडागास्कर के बारे में कुछ बताऊँ। दोस्तों मेडागास्कर की जो कैपिटल है वो है एंटन आनारीवो। ये वहाँ की कैपिटल है दोस्तों। करेंसी दोस्तों है मेलगेसी एरी एरी। दोस्तों लैंग्वेज है फ्रेंच और इंग्लिश। दोस्तों टेलीफोनिक कोड है 261। तो दोस्तों आप मेडागास्कर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं रेड चिली। रेड चिली की दोस्तों कुछ मैं टाइप बता रहा हूँ दोस्तों। अभी रेड चिली है सानम चिली है, ब्याडगी चिली दोस्तों, तेजा, और इसको S17 भी कहते हैं। रिंकल 273 चिली है दोस्तों, इंडिगो 5 चिली है दोस्तों, कश्मीर चिली है दोस्तों, ज्वाला चिली है, और दोस्तों धानी चिली है। रेड चिली की डिमांड काफ़ी है, आप मेडागास्कर में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका से भी, इसके बाद दोस्तों मेडागास्कर से आप लिंक बना सकते हैं साउथ अफ्रीका के और मॉरिशस के भी। तो आप मेडागास्कर में आप एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और साउथ अफ्रीका में भी फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ से कॉन्टैक्ट बना सकते हैं, और आप मॉरिशस में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं दोस्तों। जो सी पोर्ट्स है दोस्तों वो है, मेडागास्कर बहुत छोटा देश है दोस्तों, तो सी पोर्ट्स है इसका टो मैसानिया जो सी पोर्ट्स है दोस्तों। एयरपोर्ट्स है एवोटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और मोरलिया और वेकरनिया दो होलसेल मार्केट हैं स्पाइसेस की। मेरा ये मकसद है दोस्तों, यहाँ से आपके लिंक बन जाएंगे साउथ अफ्रीका और मॉरिशस के। तो आप तीन जगह आप एक्सपोर्ट करते हैं मेडागास्कर में आप बेस बना के। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई दोस्तों, मेडागास्कर में आप एक्सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हमारी ट्रेनिंग होती है दिल्ली में रेगुलरली होती है दोस्तों, और देश के अलग सिटीज़ में टाइम टू टाइम होती रहती है। पहले दिन में इंडिया को रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, इंडिया में कैसे लाइसेंस ले जाते हैं, कैसे सामान भेजा जाता है, कैसे सैंपल भेजा जाते हैं, लॉजिस्ट बाय रोड, बाय शिप या बाय प्लेन। कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताते हैं जिसे आप बायर और सेलर ढूंढ सके दोस्तों। एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी देते हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सेकंड जो हमारा कॉन्टिनेंटल डे रहता है, जिस देश में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, रूल एंड रेगुलेशन क्या है, ये चीज़ें बताई जाती है दोस्तों। और कुछ साइंटिफिक तरीके बताए जाते हैं जिससे आपका सामान लंबे समय तक दोस्तों ख़राब ना हो। दोस्तों हमेशा स्टार्टअप शुरू करने में आपके नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, और आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लीजिए, कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहेगी अगर आप स्टार्टअप करेंगे बिना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आपकी नेगेटिव थॉट्स और कन्फ्यूज़न खत्म होगी, और आपका अपने काम में फोकस ज़्यादा होंगे। तो दो दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जी आपको बहुत बेनिफिशियल मिलेगा दोस्तों। इस तरह से हमारे इस तरह से और भी चीज़ें देखनी दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू शेयर कीजिए दोस्तों। पुरानी वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, 190 कंट्री के बारे में बहुत अमेजिंग नॉलेज देखिए दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम, स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है डायरेक्ट मुझसे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है, अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं उसका आपको सोल्यूशन बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।